आज ओला की जो सच में ड्यूरेबिलिटी है वो दिखेगी गाइज। क्या बात है गाइज, छह बंदों के साथ छह सी तो बेंड होनी चाहिए। डबल में हाइपर मोड में फुल स्पीड ले ली मैंने, यहाँ पे यहाँ से आ गया मैं। और ये क्या बात है गाइस, क्या बात है, ये जो जंप था ना, ये मुझे जन्नत के दरवाजे दिखा दिया। दोस्तों पिछली ओला की एक्शन वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया अकेले करने से इस व्हीकल की ड्यूरेबिलिटी कुछ पता चलती नहीं है, डबल में करके दिखाओ। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डबल में खतरनाक एक्शन। ओला S1 प्रो के ऊपर हम करेंगे बड़े बड़े जबरदस्त जंप्स गाइज, और रोलिंग स्टॉपी भी मारने की भरपूर कोशिश करेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पे एक्शन हमारे माइंड में भरा पड़ा है। एक्सट्रीम राइडिंग करने वाले हैं ओला S1 प्रो के ऊपर, कंप्लीट इसकी ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारी जो ओला का सस्पेंशन आर्म है ये अब अपग्रेड हो चुका है। कंपनी ने हमें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रिप्लेस करके नया आर्म दे दिया है। अब ये जो सस्पेंशन आर्म है ये पहले से ज्यादा ड्यूरेबल है, पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, दिखने में ही लगता है गाइस, बाकी आज के इस एक्शन में पता चल जाएगा। तो मैं हूं आपका अपना आकीडी हॉट पिस्टन्स, चलिए एक्शन शुरू करते हैं। एंड फाइनली गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ओला का नंबर प्लेट आ गया है, हालांकि मेरे पास पहले ही आ गया था, मैं बिजी होने के कारण इसको डाला नहीं था। सो देख लो फाइनली गो ग्रीन के साथ, ये हमारी मोस्ट फेवरेट डेली यूज में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली व्हीकल है गाइज। एंड वन मोर थिंग, मतलब ये जो मिरर देख के आप लोग शॉक मत होना, कंपनी ऐसे मिरर नहीं देती है, ये आफ्टर मार्केट मिरर है, ऐसे ही मैंने लगा लिए हैं ताकि थोड़ा सा कूल और हटके लुक देखने को मिले। गाइज जैसे जिम जाते जाते थोड़ा वार्म अप करना ज़रूरी है ना, तो यहाँ पे ओला के साथ ना बड़े एक्शन करने से पहले हम खुद को थोड़ा सा ना इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है गाइज, एक बार आ गया ना तो आप बड़े कदम उठा सकते हो। और ये लास्ट हमारा वार्म अप जंप, कड़क गाइज कड़क, बहुत लंबे लंबे जंप अब मेरे हो रहे हैं गाइज। अभी आएगा असली मजा, डबल में हम करेंगे जंप। हमें ना गाइज अपनी हड्डी पसलियां नहीं तोड़वानी है, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करना है। तो भाई फुल ऑन राइडिंग गियर्स पहन लो, निकलते हैं, टेक ऑफ करते हैं। डबल जंप में ना थोड़ा डर तो लगा, लेकिन पहली जंप सही हुई तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया है, अब बड़ी लेने वाला हूँ। एक नंबर ये कड़कता जंप एकदम। हाँ गाइज, हर जंप और हर स्टंट से पहले ना मैं चेक कर लेता हूँ ओला में कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है, समझ गए, वरना फिर स्टंट तो मैं कर लूँगा और ये लास्ट वीडियो हो जाएगा मेरा। ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गाड़ी ख़राब हो सकती है, टूट फूट सकती है, तो उसको चेक कर लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। सो गाइज लास्ट और फाइनल जंप, डबल में हाइपर मोड में फुल स्पीड ले ली मैंने, यहाँ पे यहाँ से आ गया मैं। और ये क्या बात है गाइस, क्या बात है, ये जो जंप था ना, ये मुझे जन्नत के दरवाजे दिखा दिया। रमजान में एक नंबर गाइस, क्या जंप था। गाड़ी चेक कर लेंगे बाबा, पैनल वैनल खुला, कुछ टूटा, सस्पेंशन का तेल बाहर आया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, समझ गए, ऑल गुड। अब रील्स के लिए और हम जंप्स करने वाले हैं गाइज, आप जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे इसके एक्शन देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लेना गाइज, समझ गए, इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ मैं छोटे वीडियोस के लिए। और देख लो ये है इसका फ्रंट सस्पेंशन गार्ड गाइज, जिसकी वजह से अब थोड़ा और लाइफ में रिस्क लेने में मजा आ रहा है गाइज। अभी हम करने वाले हैं स्टॉपी ओला S1 प्रो के ऊपर, और स्टॉपी की बात आती है तो ये सबसे खतरनाक स्टंट में से एक है गाइज, और इसमें जो है ना व्हीकल की मजबूती का भी पता चलता है। रोलिंग स्टॉपी की शुरुआत अब कर रहे हैं हल्की हल्की स्टॉपी से। ओके 3 2 1 गो। ओ माय गॉड, खतरनाक था ये, खतरनाक। रुक रुक, रुकने का नहीं है अपने को,
अनलिमिटेड स्टॉपी देते रहने का अभी इसके ऊपर। ओके स्टॉपी वन मोर। ओह ऑलराइट गाइस, लंबी खतरनाक रोलिंग स्टॉपी होगी या नहीं देखते हैं। ओह क्रेजी भाई, एंडो मार दूं क्या पूरा? लंबी थी ना ये, मेरे को लगता है इससे भी लंबी जाएगी। ठीक है और लंबी मारने की कोशिश, 3-2-1। ओ कड़कता है यहाँ। हो कुछ हिला क्या मुंडा वुंडा, हैंडल वंडल सब सही है भाई। ओके गाइज, खतरनाक इंडिया की सबसे फास्ट रोलिंग स्टॉपी स्कूटर पे, हाइपर मोड पे, ओला में डबल्स में कर रहे हैं हम। 3-2-1। ओ खड़कता गाइस, एकदम मौत को छू के वापस आ गए हम लोग। आज ओला की जो सच में ड्यूरेबिलिटी है वो दिखेगी गाइस। सामने यहाँ पे 5 बंदे हैं और मैं एक 6, तो चलिए आते हैं ओला के ऊपर 6 बंदे राइडिंग करके देखते हैं कि ये सरवाइव कर पाती है या नहीं। ओके आजो 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 आप नीचे आजो। ओके थोड़ा सा मैं हार्ड राइडिंग करने वाला हूँ गाइस, कस के पकड़ लेना ठीक है। वैसे 6 बंदों के लिए सब बनी हुई नहीं है गाड़ी, बट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ को ठीक है। ओके हाइपर मोड में चला रहा हूँ गाइस, थोड़ा स्पीड रहेगी तो कस के पकड़ लेना एक दूसरे को ठीक है। 3-2-1 लेट्स गो। क्या बात है गाइस, 6 बंदों के साथ निकल गया मैं खड्डों में से लेके जा रहा हूँ ओला को, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओहो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ हैंडल कर पाएगी ओला। ओहो इधर ऑफ रोडिंग। ओके 6 बंदों का वेट गाइस, और उसमें से अपने भाई एक ऐसे हैं ऑलमोस्ट उनका 3 बंदों जितना वेट है। ओहो ना तो इसके सस्पेंशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ा है गाइस, लेकिन ऐसा टूटने वाला इम्पैक्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं पड़ा, वही हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ओहो हो एक नंबर एक नंबर, सही है। ओके ओके भाई ये पत्थर उड़ा रहा हूँ। ओके कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ होता तो अभी तक गिर जाते हम। 6 बंदे बैठे हैं, 6 सी तो बेंड होनी ही चाहिए यहाँ पे। ओहो लेकिन सब कुछ सही जा रहा है अब तक। मेरे को ऐसा लगता है एक दो बंदे और ज़्यादा बैठा के हम मार सकते हैं इसको, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अपने पास हेलमेट यहाँ पे 6 ही बचे हुए हैं। क्या बात है क्या बात है, एक नंबर। उतर जाओ ठक 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 ठक, देखेंगे गाड़ी की हालत कुछ हुआ है क्या। ओके गाड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा गाइस, 6 बंदे होने के बावजूद। गाइस 6 बंदों को बैठा के ना मेरे को लगा कि गाड़ी ख़त्म हो जाएगी यार, मर जाएगी गाड़ी, लेकिन स्टिल यहाँ पे वही स्मूथनेस है, कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं है गाड़ी यहाँ पे। ओहो तो कुछ भी फर्क मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ब्रेक भी मार रहा हूँ। एक लास्ट आखिरी फाइनल राउंड ओला का इस खतरनाक ऑफ रोडिंग में, नीचे लेके जाएंगे और ऊपर भी लेके आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं ट्रिपल जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे भाई का वेट इतना है ना, ऑलमोस्ट 2 बंदों के उतना वेट है, तो दोनों जाके आएंगे आराम से ठीक है। भाई मेरे को कस के पकड़ लेना, थोड़ी स्पीड खतरनाक रहने वाली है। चलो भाई। ओके माविया भाई, ये जो रास्ता है ना गाइस ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे खड्डे मिल रहे हैं ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। ओहो भाई मावे भाई कस के पकड़ लेना, हाँ क्रैश भी हो सकता है। ओके स्पीड खतरनाक है मावे भाई, जीतने वाले मोटोक्रॉस रहते हैं ना उनका थ्रॉटल डाउन नहीं होता गाइस, तो हम भी यहाँ पे जीतने वालों में से हैं। थोड़ा सा पीछे मावे भाई। ओके 3-2-1 गो। फुल हाइपर मोड में, या तो हम लोग जाके पहुंचेंगे या तो एम्बुलेंस को बुलाना पड़े सकता है। ओके ओह एंड फाइनली ऊपर आके पहुंच गए गाइस। ये देखो
ये लोग रोड चेक करने के लिए जा रहे हैं, मतलब ये लोग को यकीन नहीं हो रहा हम लोग ये रास्ते से नीचे जाके और ऊपर भी आ गए ओला के साथ। ओ एक नंबर ओला, मैं और भाई सही सलामत। ओके गाइस, इतनी हार्ड राइडिंग के बाद में भी ना कुछ इसको फर्क पड़ा नहीं यार, मेरे को यही चीज़ भा गई, मतलब अच्छी लगी इतनी हार्ड राइडिंग करने के बाद में। देख लो कुछ भी यहाँ पे इशू आया नहीं है, हाईवे के ऊपर, हाईवे नहीं है छोटा सा रोड है, यहाँ पे थोड़ा सा भगा के देखता हूँ कि सब कुछ सही है या नहीं। स्पोर्ट्स मोड, हाइपर मोड, एक नंबर एक नंबर, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, एक नंबर, कुछ भी इशू नहीं है। 1% आ सकता है वाइब्रेशन, लेकिन ऐसे कुछ है ही नहीं। इतनी हार्ड राइडिंग मैंने किया इसके ऊपर, कुछ भी इसको असर पड़ा नहीं यहाँ पे। मज़ा आया इसकी ड्यूरेबिलिटी देख के, सारे हार्डवेयर सारे सॉफ्टवेयर सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। क्रूज मोड में जा रही है ओला, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी स्कूटर इतनी हार्ड राइडिंग को सर्वाइव कर पाएगी। देख लो आपको मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ, देख लो सस्पेंशन भी बेंड हुआ नहीं, ना तो टूटा है, पीछे का सस्पेंशन भी कुछ यहाँ पे इफेक्ट पड़ा नहीं है, पैनल भी कहीं से खुले नहीं है, कहीं से टूटे नहीं है, कुछ भी यहाँ पे इशू आया नहीं है। गाइस मैं बहुत इंप्रेस हूँ गाइस ओला की इस बिल्ड क्वालिटी को लेके, और कहना चाहूँगा ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे बात आती है देश की और देश के लोगों की सेफ्टी की, तो वहाँ पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा गर्मा गर्म एक्शन ओला S1 Pro के ऊपर? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, और इसी तरीके के एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, समझ गए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाय बाय, जय हिंद।